हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप दैट यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। सो लेट अस स्टार्ट आर टुडेज़ वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपना पेडागॉजी ऑफ साइंस का सेशनल वर्क डिस्कस करने वाली हूँ, बहुत ही ब्रीफली। इस सेशनल वर्क में मैंने क्लास 10th की साइंस की बुक का क्रिटिकल इवेल्युएशन किया है अकॉर्डिंग टू द रिव्यूअर्स फॉर्म। First of all, I have written about the need and the importance of the science textbook. Then comes the definition of the textbook, view of the shuttle and according to the International Encyclopedia of the Education. Then I have written about the important functions of the science textbook. देन कम्स द क्वालिटी ऑफ द गुड टेक्स्टबुक, की जो टेक्स्टबुक होती है हमारी उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं कि वो एक अच्छी टेक्स्टबुक बन सके। अच्छी टेक्स्टबुक का सबसे पहला पॉइंट है कि ऑथर कैसा है, उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, उसको कितने ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। देन कम्स द गेटअप ऑफ द बुक, जिसमें हमारी पेपर क्वालिटी और प्रिंट क्वालिटी मेनली आती है। उसके बाद हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सब्जेक्ट मैटर, की जो भी टेक्स्ट बुक है उसमें जो सब्जेक्ट मैटर है वो कैसा मैटर दिया हुआ है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। After the subject matter of the textbook, then comes the principles of writing a textbook, की टेक्स्ट बुक लिखते हुए किन प्रिंसिपल्स या सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। देन कम्स द रेफरेंस बुक, रेफरेंस बुक जो हमारी होती है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड होती है, उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स क्या है रेफरेंस बुक्स के, देन टाइप्स हमारी क्या होती हैं रेफरेंस बुक्स की। After that, teacher manuals, then comes the evaluation procedure of the textbook, की टेक्स्ट बुक को इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं। There are three main procedures. First one is hunter scorecard, then the vocal checklist and द थर्ड वन इज़ रिव्यूअर्स फॉर्म। इस वीडियो में मैंने रिव्यूअर्स फॉर्म के अकॉर्डिंग क्रिटिकल इवेल्युएशन किया है साइंस की बुक का। रिव्यूअर्स फॉर्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंस्ट्रक्शन, दैट इज़ ए डी एंड यू क्या रिप्रेजेंट करते हैं। देन कम्स द प्लानिंग ऑफ द बुक, सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड द ऑर्गेनाइजेशन और द प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, कि आपने सब्जेक्ट मैटर कैसे प्रेजेंट किया है या फिर ऑर्गेनाइज किया है एक टेक्स्ट बुक में। देन कम्स द लर्निंग एक्सरसाइज, देन कम्स द इलस्ट्रेशन, कि हमने जितनी भी इलस्ट्रेशन बुक में इंक्लूड किए हैं क्या वो एडिक्वेट हैं या फिर इनएडिक्वेट हैं, हमें और ऐड करनी चाहिए थी या नहीं। देन कम्स द फिजिकल फीचर्स ऑफ द बुक, कि बुक जो वो हमारी ड्यूरेबल है या फिर नहीं है। देन इन द एंड हम जनरली लिखेंगे कि बुक में फ्री स्पेस था या नहीं, विजुअलाइजेशन कैसी थी बुक की, एज अप्रोप्रिएट मटीरियल था या नहीं, वेल बैलेंस्ड कंटेंट था या नहीं, और जो लैंग्वेज यूज़ की गई है बुक में वो ईजी है या डिफ़िकल्ट है। और एंड में हम अपनी एग्रीड स्टेटमेंट, डिसएग्रीड स्टेटमेंट और अनडिसाइडेड स्टेटमेंट को काउंट करके बुक को रिकमेंड करेंगे और रिव्यूअर्स के सिग्नेचर्स होंगे और डेट लिखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरा सेशनल वर्क अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप ऑन लर्निंग।